तो यार आखिरकार जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि न्यू फॉर्म क्या होगा, कैसे आएगा, हेयर कैसे होंगे, फिजिकल चेंज क्या होगा, तो अब यहाँ गोकू का नया फॉर्म कंफर्म हो चुका है। मैं वैसे फिलहाल इस बारे में वीडियो बनाने नहीं वाला था, मैं सोचा यार न्यू पिक आई है फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूँ ज्यादा से ज्यादा, पर लोगों ने बोले नहीं भाई तू इस बारे में वीडियो बना, हमको तेरे मुंह से सुनना है कि भाई तू क्या सोचता है। मैं वही सोच रहा था कि यार बोलूंगा तो यार क्या बोलूंगा, कि गोकू के बाल खड़े हैं, ज्यादा बाल खड़े हैं, पीछे ब्लू ऑरा है, तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। पर तभी भी यार अगर लोगों की डिमांड है तो यार बनाना ही पड़ेगा। फिलहाल ये फॉर्म का कोई नाम नहीं निकल के आया है, बस इतना कन्फर्म है कि गोकू का अगला फॉर्म ये वाला है। ये बात मैंने पहले ही कही थी यार, गोकू का नया फॉर्म आएगा पर हेयर कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अजीब अजीब कलर की बस ऑरा देखने को मिलेंगी। और ये जो पोस्टर है जो एक महीने पहले ही आया था, जिसका हमने सिर्फ बैक व्यू देखे थे, वो इसका ऑफिशियल फ्रंट व्यू है। और बैक वाले पोस्टर में ऑरा रेड है और फ्रंट में ऑरा ब्लू है, तो ये क्या झमेला है, ये छोड़ो, परफेक्ट की कंट्रोल गॉड की धनिया लहसुन। पर अब हम गौर करते हैं गोकू की आंखों पर, उसकी आंखें ग्रे हैं और जो उसके इमेज के साथ लिखकर आया है, सिर्फ इतना लिखकर आया है कि द न्यू विजुअल शोज अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी आंखें सिर्फ सिल्वर है। तो ये वाला फॉर्म कब तक आएगा, कितने एपिसोड बाद आएगा, देखो देखो जहां तक मेरा अंदाज है कम से कम फिलहाल अभी तो 10 एपिसोड तक कुछ नहीं होने वाला, एपिसोड 115 तक, मतलब उसके बाद हो सकता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर सीरियस हो। बाकी ये फॉर्म कैसे आएगा, क्यों आएगा, आई थिंक मैंने इस बारे में पहले से ही बहुत प्रेडिक्शंस दे चुका हूँ। परफेक्ट की कंट्रोल हो सकता है, और जैसे कि मैंने एक बार यार तुम लोग को याद है वीस वाली थ्योरी भी बताई थी, मैंने एक वीडियो में कहा था कि वीस ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि गोकू और वेजिटा बिना सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हुए लोगों के सामने खड़े हो पाए, यही मेरा मकसद है इनको ट्रेनिंग देने का। तो कायोकेन टाइम्स 100 नहीं यार, वो सब नहीं होने वाला। तुम लोग मांगा पढ़ो, वहाँ गोकू को परफेक्ट कायोकेन करके जमाना हो चुका है, तो कायोकेन टाइम्स 100 20-50 नहीं है। पर एक बात है, गोकू ने अपनी लिमिट पास की है, तो सोचो जिरन कौन से मुकाम पर होगा फिर, जो गोकू को अपने को इतना ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। तो भाई मैं सच्ची बोलूं तो मुझको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं चाह के भी इस इमेज के बारे में और क्या बोलूं, जिससे लगे कि हाँ भाई कुछ नया बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखे रहोगे तो मैंने कई बार कम से कम 4 या 5 बार यही रीजन के साथ थ्योरी के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसा फॉर्म होगा, कैसा आएगा, हेयर ब्लैक होंगे, बस ऑरा अजीब अजीब से आएंगी आजू बाजू से। तो मैं नहीं चाहता कि यार सेम बात सुन के तुम बोर हो। बस जो न्यू इमेज आई है वो तो ये क्लियर करती है कि ये गोकू का नया फॉर्म है और गोकू का फ्रंट व्यू है, ऑरा ब्लू है और उसकी आंखें सिल्वर या ग्रे जैसा दिख रहा है तुम लोग को वैसा है। तो बैक में दिया है रेड और येलो ऑरा और फ्रंट में दिया है ब्लू ऑरा, तो फिलहाल समझा नहीं मुझको कि क्या झोल है इसमें। पर बैक वाले पोस्टर पर लिखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर अब यहाँ खत्म होता है, मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो चुका है और गोकू पीछे मुड़ा है और उसका उतना पावर अप है कि वैसी कलर की ऑरा निकल रही है जैसा वो लोग करते हैं ना यार, लास्ट में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो ऑरा अजीब अजीब आने लगती है। और फ्रंट व्यू में हो सकता है कि गोकू जस्ट वो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ हो, तो वो स्टार्टिंग है इसीलिए ब्लू कलर की ऑरा दिख रही है, पर जब गोकू फुल पावर अप करेगा तो बाकी अलग अलग कलर की भी ऑरा देखने को मिलेगी। होप तुम लोग मेरी बात समझ रहे होगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो गोकू ने जस्ट अभी सीखा होगा इसीलिए ब्लू ऑरा है, और ये बैक व्यू में पावर अप करने के बाद या अपनी लिमिट पर पहुंचने के बाद ऐसी ऑरा आ रही होगी रेड एंड येलो। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, और यार अब उस इमेज को देखकर मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ कि गोकू के बाल खड़े हैं, कपड़े फटे हैं, अपना गोकू तकलीफ में है बेचारा, जबरदस्ती यार वीडियो को क्यों खींचूं। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो, एम रखते हैं 2202 लाइक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।